नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टॉक लेके आया हूँ जो कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा फायदा देने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, वह स्टॉक है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड का शेयर अभी ₹5.05 पर चल रहा है। अगर आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजीशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड की बात की जाए तो यह रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसकी स्थापना 1995 को हुई थी, यानी कि 26 साल पहले। इसके जो फाउंडर हैं वे तुलसी टंटी जी हैं। इसका हेड क्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। इसके प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो यह वाइंड टर्बाइन्स बनाती है। दोस्तों जब यह वाइंड टर्बाइन्स हवा के द्वारा दोस्तों घूमती है तो ग्रीन एनर्जी बनती है, यानी कि पावर जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और इस जो ये एनर्जी बनाता है इसमें ना तो दोस्तों कोई पोल्यूशन होता है और ना ही कोई प्रदूषण होता है। पूरी तरीके से क्लीन और ग्रीन एनर्जी बनती है। और दोस्तों दुनिया के जितने भी ज्यादातर देश हैं उन देशों की दोस्तों यही डिमांड है कि जो भी एनर्जी बने वह ग्रीन एनर्जी बने, उसमें ना तो कोई प्रदूषण हो और ना ही कोई पॉल्यूशन हो। और दोस्तों सुजलॉन एनर्जी अभी 18 से भी ज्यादा देशों में अपनी सर्विसेज दे रहा है। वे कौन कौन से देश है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एशिया के बहुत सारे देश हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया और अमेरिका हो गया। यहाँ पे दोस्तों सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड अपनी सर्विसेज दे रहा है। इन देशों में दोस्तों सुजलॉन एनर्जी अपने वाइन टरबाइन का सेटअप करता है। जैसे दोस्तों दूर ग्रामीण क्षेत्र हो गए, पहाड़ी इलाके हो गए, जहां पर नॉर्मल बिजली नहीं पहुंच पाती है वहां पे सुजलॉन एनर्जी अपनी वाइन टरबाइन का सेटअप कर देती है। और जैसे ही दोस्तों हवा के द्वारा वह वाइन टरबाइन घूमती है तो ग्रीन एनर्जी बनती है और जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उस एरिया को दोस्तों सप्लाई किया जाता है। इंडस्ट्रियल एरिया को भी दोस्तों यह पावर सप्लाई करता है। तो इसका जो फ्यूचर है दोस्तों काफी अच्छा है और आने वाले समय में दोस्तों सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों हो सकता है कि बहुत बड़ी दिग्गज विदेशी कंपनी भी इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकती है। और दोस्तों इसके जो फाउंडर हैं तुलसी टंटी जी वे भी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। और आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी को दोस्तों बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। जैसा कि बजट में भी जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए दोस्तों 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज का ऐलान किया गया है, तो दोस्तों सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के लिए काफी पॉजिटिव खबर है। और हो सकता है कि भारत सरकार की ओर से भी इसको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाए। और दोस्तों अभी न्यूज आई थी कि अडानी ग्रुप इसका बहुत बड़ा कस्टमर है, तो दोस्तों हो सकता है कि अडानी ग्रुप आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड का स्टैक खरीद ले या फिर इसका शेयर होल्डर बन जाए या फिर इसको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है अडानी ग्रुप से। तो आने वाला समय दोस्तों इसका काफी अच्छा रहने वाला है। आप लोग चार्ट में भी देख सकते हैं दोस्तों कि 2008 में इसने जो हाई लगाया है वो 459.80 रुपए का, और अभी दोस्तों काफी सस्ते रेट पर मिल रहा है। यहाँ पे बाउंस बैक का चार्ट पैटर्न भी बन रहा है, तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी न्यूज आई है कि सेबी ने सुजलॉन एनर्जी के वित्तीय बयान की जांच के लिए एक फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया है। जी हाँ दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी ने बताया कि बाजार नियामक सेबी ने उसके वित्तीय बयानों की जांच के लिए एक फॉरेंसिक ऑडिटर को नियुक्त किया है। सुजलॉन ने शेयर बाजार को बताया कि कंपनी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी से 22 मार्च 2021 की तारीख का एक पत्र मिला है जिसमें उसे वित्तीय विवरणों की जांच के संबंध में एक फॉरेंसिक ऑडिटर की नियुक्ति के बारे में सूचित किया गया। सेबी ने अपने पत्र में कहा कि यह नियुक्ति वित्तीय जानकारी और व्यावसायिक लेन देन के खुलासे के संदर्भ में है। कंपनी ने कहा कि वह इस संबंध में अपना पूरा सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो दोस्तों सेबी ने एक फॉरेंसिक ऑडिटर को नियुक्त किया है जो कि सुजलॉन एनर्जी के जो वित्तीय बयान है उनकी बयानों की जांच के लिए, यानी कि एक फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया है। तो दोस्तों बहुत ही पॉजिटिव खबर है कि सेबी इसकी तरफ
पूरी तरीके से ध्यान दे रहा है कि सुजलन एनर्जी किस तरीके से वर्क कर रहा है और इसके वित्तीय बयानों की भी जांच की जाएगी। तो यहां से दोस्तों इसका जो फ्यूचर है काफी ब्राइट रहने वाला है। आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजीशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग सुजलन एनर्जी लिमिटेड के स्टॉक को कैश में बाय कीजिए और इसके जो शेयर की डिलीवरी है वह अपने डीमैट अकाउंट में ले लीजिए। और दोस्तों आप इसको अगले 5 से 6 साल के लिए होल्ड कीजिए। दोस्तों अगले 5 से 6 सालों में यह स्टॉक 249 रुपए तक जाता हुआ नजर आने वाला है। तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजीशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग अभी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द एक नए स्टॉक का वीडियो लेकर आऊंगा जो कि आप सभी लोगों के लिए और भी अधिक फायदा देने वाला होगा। तो वह वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग अभी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।